गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल RIMC एंड नवोदय विद्यालय। आई एम इंजीनियर अजय। तो स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट साइंस की क्लास है और अपना नया टॉपिक है चिकित्सा संबंधी आविष्कार। साइंस में चिकित्सा से रिलेटेड जो मेडिकल साइंस है उससे रिलेटेड जो इन्वेंशंस हैं, आविष्कार हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आविष्कार, जिस चीज़ का आविष्कार हुआ है उसका नाम, और दूसरा है आविष्कारक, जो साइंटिस्ट है उसका नाम जिसने आविष्कार किया है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं अपन विटामिन। विटामिन की खोज की थी फंक ने। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था? फंक। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पुटअप होता है अपने, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, दूसरा देखिए अपने, दूसरा है सेकंड विटामिन बी। विटामिन बी का आविष्कार किया था मैकुलन ने। ठीक है, तो इससे अपने क्वेश्चन पुटअप होता है विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन ने। ठीक है, तीसरा थर्ड देखिए विटामिन डी। विटामिन डी का आविष्कार किया था हॉपकिंस ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस ने। अब आप फोर्थ देखिए, फोर्थ अपने दे रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया था बॉम्समैन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? बॉम्समैन ने। अब नेक्स्ट फिफ्थ है अपना, पांचवा है होम्योपैथी। होम्योपैथी का आविष्कार किया था हैनीमैन ने। ठीक है, तो अपने इससे क्वेश्चन पुटअप होता है होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? हैनीमैन ने। सिक्स्थ है अपना ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब हार्ट अटैक आता है तो जो अपन ऑपरेट करते हैं तो इसमें एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किया था वाल्टर लीलेहल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? वाल्टर लीलेहल ने। ठीक है, सेवन्थ सातवा देखिए प्रथम प्रखनली शिशु, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था, प्रथम प्रखनली शिशु था, उसकी खोज की थी एडवर्ड्स व स्टेप्टो ने। ठीक है, तो इससे अपने क्वेश्चन पुटअप होता है प्रथम प्रखनली शिशु है उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने। अब नेक्स्ट है अपने एट्थ है एंटीजन। एंटीजन का आविष्कार किया था लेड स्टीनर ने। ठीक है, तो इससे अपने क्वेश्चन पुटअप होता है एंटीजन का आविष्कार किसने किया था? लेड स्टीनर ने। नाइन्थ है अपना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था हैरिसन तथा सिंपसन ने। तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन तथा सिंपसन ने। टेंथ है अपने टेरामाइसिन। टेरामाइसिन का आविष्कार किया था फिनेल ने। तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया था? फिनेल ने। इलेवंथ है ग्यारहवा है अपना डायबिटीज। डायबिटीज का आविष्कार किया था बेटिंग ने। तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने डायबिटीज का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग ने। अब ट्वेल्थ है अपना इसी सीरीज में आगे पोलियो वैक्सीन। पोलियो की जो वैक्सीन है वो बनाई थी जॉन ई साल्क ने। तो इससे अपने क्वेश्चन पुटअप होता है पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई साल्क ने किया था। अब थर्टीन्थ है, तेरहवा है अपना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यू वेन होल ने किया था। तो इससे अपने क्वेश्चन पुटअप होता है कि बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? तो बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यू वेन
पॉल ने किया था। अब 14th है, 14 नंबर का है अपना आरएनए। आरएनए का आविष्कार जेम्स वॉटसन तथा ऑर्थर गर अर्ग ने किया था, ठीक है। तो इससे अपने क्वेश्चन पुटअप होता है, आरएनए का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉटसन तथा ऑर्थर अर्ग ने, ठीक है। अब 15th है अपना मलेरिया परजीवी व चिकित्सा। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज किसने की थी? डोनाल्ड रोस ने। तो क्वेश्चन पुटअप होता है अपना, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज किसने की थी? डोनाल्ड रोस ने की थी। तो ये अपन ने चिकित्सा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी की है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा तथा लर्न कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।